तो देखो, बेसिकली ये जो वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ ये पेड वीडियो में आता है, पर हमारा तो कोई इंस्टीट्यूट नहीं है कि कुछ हाइड करके रखूँ, बाद में जब इंस्टीट्यूट होगा तो सिखाएंगे, ऐसा कुछ मसला नहीं है। तो अगर आप प्रोफेशनल बन जाओ, एक्सपर्ट बन जाओ, तो अगर कभी भी इंस्टीट्यूट हुआ तो आके मिल के जाना, ठीक है। तो देखो, ये एक गीगाबाइट का B3600M गेमिंग HD देख सकते हो। तो ये जब बोर्ड रिसीव हुआ तो नो डिस्प्ले के साथ रिसीव हुआ था शॉप पे, तब मैं जाके जब घर पे देख रहा था तब ये नो पावर में था। तो मेरे ख्याल से ग्राफिक्स कार्ड का स्लॉट में ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ था, उससे ही कुछ प्रॉब्लम हुआ है ग्राफिक्स कार्ड शॉर्ट होने की वजह से, तो वो अलग बात है। तो नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम भी मैंने फिक्स कर दिया है, पर नो पावर का एक केस जो है वो भी सॉल्व है, पर मैं शेयर कर रहा हूँ, तो ध्यान से वीडियो को देख लो, क्योंकि ऐसा टाइप के वीडियो यूट्यूब में नहीं मिलता है। तो देखो, ये जो बोर्ड है, पहले बता दूँ, इसका तो ना तो सिमेटिक मुझे मिला गूगल पे, ना तो किसी ग्रुप में मिला है, ना बोर्ड व्यू मिला, ना इसका बायोस ओनली फॉर अवेलेबल है क्योंकि ऑफिशियल साइट पे, अदरवाइज इसका बोर्ड व्यू सिमेटिक नहीं है। और इसका जो आयो है, ये जो IT8686E देख सकते हो, 8686E, इसका भी ना तो कोई डेटा शीट गूगल पे आसानी से मिल रहा था। तो किसी से मैंने एक मंगवाया था 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन नहीं, तो उसी को लेके ढूंढते ढूंढते थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया। तो देखो, ये बोर्ड नो पावर कंडीशन में था, पर अभी जो है वो मैंने फिक्स किया, और नो डिस्प्ले भी था उसके साथ साथ, नो डिस्प्ले भी था। तो नो डिस्प्ले के बारे में बात बात नहीं करेंगे, नो पावर के बारे में इस केस में बात करेंगे। तो देखो, अभी जो है ये बोर्ड एक बार देख लो, टिगर ले रहा है, उसके बाद हम डिटेल्स में बता देंगे कि अगर ये सीरीज का बोर्ड गीगाबाइट का आपके पास कभी भी आ जाए और नो पावर है, और मैं एक्सप्लेन करूँगा किस टाइप का नो पावर था। सेम अगर है तो आपको बस एक रजिस्टर ढूंढना है, मैंने भी वही ढूंढा, बहुत मेहनत किया इसके ऊपर, तो जाके ये सक्सेस हुआ। तो देखो, अभी ये बोर्ड चलेगा, पर इसमें जो प्रोसेसर है ये एफ सीरीज का है, डिस्प्ले नहीं आता है, ग्राफिक्स कार्ड पे आएगा, तो वो भी मैं दिखा दूंगा, डोंट वरी। तो पहले हम नो पावर के बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लेंगे, उसके बाद दिखाएंगे डिस्प्ले। तो देखो, PSON इसका आ चुका है और ये टिगर दिया, तो देखो बोर्ड में अभी कोड जनरेट हो रहा है, मतलब CPU भी हीट हो रहा है और डिस्प्ले इसका आ जाएगा, ठीक है। तो C1 पे रहेगा क्योंकि रैम नहीं है मेरे बोर्ड पे, इसलिए आ रहा है। तो बोर्ड अभी चल रहा है, यही बस दिखा रहा हूँ, और डिस्प्ले थोड़ी देर बाद दिखा देता हूँ। तो पहले समझ लो बात को, अगर नो पावर ऐसा बोर्ड में आ जाता है आपके केस में, तो पहले आपको समझना है थोड़ा सा। अगर थोड़ा सा भी वीडियो स्किप किया तो आप ये वीडियो तो यूट्यूब में मिलने वाला नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम बोर्ड आएगा तो सक्सेस नहीं कर पाओगे। तो देखो, मल्टीमीटर पे भी आना है हमको, तो ये देखो DC20 पे रखो पहले। इस बोर्ड में नो पावर जब मेरे पास आया तो बोला गया था नो डिस्प्ले है, पर मैंने जब रिसीव किया घर पे लाया तो देखा, सर्विस सेंटर पे आने के बाद मुझे देखा कि ये बोर्ड नो पावर है। तो देखो, इस बोर्ड में अगर इस टाइप के नो पावर आते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो देखो, पहले तो ये है, डिबग कार्ड भी डाल रहा हूँ। इस बोर्ड में मैंने जब पावर दिया तो डिबग कार्ड में मुझे यहाँ पर 3 वोल्ट स्टैंड बाई का जो LED है वो ग्लो हो रहा था, तब मैं समझ गया तो चलो ठीक है, बोर्ड में टिगर ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने जब टिगर दिया तो बोर्ड टिगर नहीं ले रहा था, तब मैंने यहाँ पर जब स्विचिंग वोल्टेज को चेक किया, यहाँ पर 0 वोल्ट था, तो यहाँ पर 0 वोल्ट मुझे आ रहा था, तो 0 वोल्ट आ रहा था, इसलिए ये टिगर नहीं ले रहा था। और क्रिस्टल का भी इशू नहीं था इस बोर्ड में कि क्रिस्टल में टच करने से पावर आए। तो हमें करना था क्या, इस यहाँ पर जो वोल्टेज है वो मिसिंग हो रहा था, पर डिबग कार्ड में जो है हमारा ऐसे टाइप के LED जल रहा था। अभी देखो, ये टिगर ले लेगा, अभी ये देखो टिगर दिया, ले लिया, फैन चल रहा है, कोड ले रहा है, पर तब ले नहीं रहा था। तो मैं सोचा कि कस्टमर ने बोल के गया है, जिसने ये बोर्ड दे के गया वो बोल रहा था नो डिस्प्ले, पर अभी तो नो पावर है, थोड़ा सा टेंशन में आ गया था। पर बहुत ढूंढा ढूंढा ढूंढा, पर इसका जो आयो है उसका एक डेटा शीट लिया, डेटा शीट मैंने मैनेज किया, तो 104 नंबर इसका जो पिन है, तो 103 नंबर इसका ग्राउंड है इस आयो का, तो 104 नंबर पिन है। तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखो अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो 300 सीरीज़ का गीगाबाइट का कोई भी बोर्ड आपके पास आ जाएगा तो सॉल्व कर लोगे, लेकिन 400 सीरीज़ अगर हो गया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो इधर उधर घूम फिर जाएगा।
मतलब सोल्यूशन जो है वो अलग हो जाएगा, पर एक ही होगा, सोल्यूशन एक ही होगा पर थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो आपके केसेस में अगर ऐसा बोर्ड आए और आपके पास अगर यूनिवर्सल डिबग कार्ड है, तो आपको अगर डिबग कार्ड में एलईडी मिल रहा है और पीएस ऑन में कोई भी वोल्टेज जनरेट नहीं हो रहा है, मतलब एक भी वोल्ट यहाँ पर आ नहीं रहा है पावर बटन पे, तो आपको एक चीज़ फॉलो करना है। तो देखो अभी मैं इस बोर्ड का तो सोल्यूशन दे के जा रहा हूँ, बोर्ड को अच्छे से देख लो, अगर सेम बोर्ड आए सेम प्रॉब्लम के साथ तो 100% आप सॉल्व कर लोगे, वो तो मैं 100% बोल रहा हूँ। पर अगर घूम फिर जाएगा बोर्ड तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो देखो ये जो है हमारा आयो है, तो इसका भी आयो का भी डेटा शीट बहुत ढूंढने के बाद मैनेज हुआ है, इतना जल्दी मैनेज हो नहीं रहा था। तो अभी देखो इसका जो आयो है, तो इसका बोर्ड में 3.3 बन रहा था, मतलब 3 वोल्ट स्टैंड बाई हो रहा था क्योंकि डिबग कार्ड में लाइट था। पर जब मैंने अच्छे से ट्रेस आउट किया पर मुझे तो कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था, क्योंकि ना तो इसका सिमेटिक था, ना बोर्ड व्यू था, ना आयो का डेटा शीट था। तो जब आयो का डेटा शीट मुझे मैनेज हुआ तब मैंने देखा इसका जो 104 नंबर पिन से जो पावर ऑन बटन है, तो अभी मैं दिखाता हूँ एक सेकेंड, और पास आके देखो नहीं तो नहीं समझ पाओगे। तो देखो ये जो आयो है IT8686E, इसका जो 104 नंबर पिन है, तो मैं थोड़ा सा काउंट कर लेता हूँ, ये जो एक हो गया मतलब 5, 10, 15, 20, 30, 25, 40, 55, 60, 65, 70, 75, 18, 85, 19, 100, तो ये हो गया हमारा 100, यहाँ पर आ जाता है हमारा 100 नंबर पिन। ठीक है, मल्टीमीटर दिख रहा है, अभी भी दिख रहा है मल्टीमीटर, तो थोड़ा सा आगे देते हैं। तो ये 100, तो यहाँ से 4 नंबर पिन काउंट करना है और आपको मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी डायोड मोड पे रखना है। तो 101, 2, 3, 4, ये देखो मैंने 104 पे काउंट मतलब प्रॉब लगाया, तो 104 में जाके ये जो पावर बटन है, एक सेकेंड लगा नहीं शायद, ये है 104, एक सेकेंड, ये माइक्रोस्कोप में ना दिखा रहा हूँ इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, माइक्रोस्कोप पे जाना है मुझे। ये है 104, ये 104 नंबर पिन, एक सेकेंड, 100, ये है 104 नंबर पिन। ठीक है, इससे इसका कंटिन्यूटी आएगा आपका। तो ये जो पिन है इसके साथ यहाँ पर ये डायरेक्टली कंटिन्यूटी नहीं आ रहा था, तो आयो से जो पीएस ऑन जेनरेट होता है, क्योंकि आयो टिगर आयो अगर सप्लाई देगा तो ही यहाँ पर पीएस ऑन आएगा। तो इस बोर्ड में ये मुझे मिसिंग मिल रहा था, क्योंकि बहुत ढूंढने के बाद मुझे 104 नंबर पिन में जो इसका पावर बटन है वो मुझे मिला। तो यहाँ पर मुझे जब मैं टच कर रहा था तो कोई भी सिग्नल मुझे मतलब कंटिन्यूटी मिल नहीं रहा था, तब मैंने समझ गया कि हाँ भाई ये जो इस पिन से इस पिन का डायरेक्टली कनेक्शन होता है, तो इसके बीच में या तो कोई कंपोनेंट है, तो रजिस्टर ही होता है, ज़्यादातर बोर्ड में आपको रजिस्टर ही मिलेगा। तो वो रजिस्टर है ये वाला, ये देखो ये बीप कर रहा है अभी, और भी पास से देख लो, ये वाला रजिस्टर ध्यान से, मैं पास से दिखा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो ये वाला रजिस्टर में मुझे इस साइड में तो मुझे आयो से डायरेक्टली मिल रहा था, पर रजिस्टर का इस साइड में देखो, इस साइड में कोई भी मुझे सिक्वेंस नहीं मिल रहा था, ना तो रीडिंग आ रहा था ना कंटिन्यूटी दे रहा था। तो ये जो रजिस्टर है मैंने हल्का सा जब देखा, तो यहाँ पर क्या किया मैंने, हल्का सा SMD चलाया और थोड़ा सा पेज डाल के SMD चलाया हल्का हीटिंग से, उसके बाद जाके मुझे ये जो अभी कंटिन्यूटी मुझे आपको दिख रहा है ये मिला, पहले ये मिल नहीं रहा था। उसके बाद जाके मैंने इसको क्लीन किया, क्लीन करने के बाद टिगर दिया, एक ही बार टिगर ले लिया। तो अभी पास से दिखा देते हैं, ये जो प्रॉब्लम अगर आपके पास आए, बड़ा क्रिटिकल सा प्रॉब्लम है, तो पास से दिखा देता हूँ, क्योंकि इसका तो स्कीमेटिक नहीं है, पर अवेलेबल हो जाएगा बहुत जल्द, पर है इसका स्कीमेटिक नहीं है, मैं नहीं बताऊँगा, पर कुछ कुछ साइड में है, बहुत पैसा मांग रहा है ये। ठीक है, तो देखो ये जो रजिस्टर है, ये रजिस्टर अगर क्लियर दिख रहा है, ये जो रजिस्टर है ये पावर बटन से कनेक्टेड है और आयो का 104 नंबर पिन से भी कनेक्टेड है। चाहो अगर आपके पास कोई भी बोर्ड ऐसा सेम बोर्ड आए तो आप इजीली डायोड मोड पर रख के चेक कर सकते हो, कोई मतलब दिक्कत नहीं। तो ये रजिस्टर अगर आपका ड्राई सोल्ड या फिर कट चुका है तो ये आपका पावर बटन में 3.3 वोल्ट नहीं आएगा, पर डिबग कार्ड में वोल्टेज डेफिनेटली आ जाएगा, मतलब डिबग कार्ड में LED जलेगा पर आपको पावर बटन में कोई भी मतलब वोल्टेज नहीं आएगा, या फिर आ सकता है 1 मतलब 2 वोल्ट के आसपास आ सकता है, पर 3.3 वोल्ट नहीं आएगा। और जब तक यहाँ पर 3.3 वोल्ट नहीं आएगा तब तक आपका बोर्ड टिगर नहीं लेगा। तो यही है वो रजिस्टर,
ठीक से देख लो और स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो बोट के मॉडल नंबर के साथ, क्योंकि इसके ऊपर दोबारा कमेंट मत करना कि मुझे नहीं दिखा, कौन सा है ठीक से दिखाओ बताओ, तो ऐसा मैं बता नहीं पाऊंगा। और ये रजिस्टर मुझे स्कीमेटिक नहीं मिल रहा था तो मैंने ट्रेस आउट कर करके ढूंढा है, ठीक है। तो यही मुझे डाउट लगा और यहीं पर मैंने काम किया, थोड़ा सा हिटअप किया और इधर उधर थोड़ा सा मैंने ट्वीज़र दे के, मतलब इसमें रास्ट था थोड़ा सा क्लियर क्लीन कर दिया और थोड़ा सा हिटअप किया तो ये सॉल्व आउट हो गया। तो अभी देखो इस बोर्ड में डिस्प्ले भी आएगा और बोर्ड भी चलेगा। तो इसमें डिस्प्ले देखने के लिए हमको क्या चाहिए, ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, क्योंकि बिना ग्राफिक्स कार्ड के ये डिस्प्ले आउट नहीं करेगा। तो वो भी दिखा देंगे, साथ में रह जाओ, क्योंकि इतने तक तक देखे हो तो थोड़ा सा डिस्प्ले भी देख लो। और आप नहीं देखोगे तो जिनका बोर्ड है ये बहुत दूर से आया है वो तो वीडियो देखता है, क्योंकि वो भी सब्सक्राइबर है, वो तो देखेगा ना, तो उसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा वीडियो। तो ये देखो, ये फैन दे दिया और एक DDR4 का रैम डालना है मुझे यहाँ पर, ये भी डाल रहा हूँ। और एक ग्राफिक्स कार्ड साइड पे रखा है तो ये लगा देता हूँ, ग्राफिक्स कार्ड लगा दिया। और केबल भी लगा देता हूँ, पहले एक बार देख लेते हैं डिस्प्ले है कि नहीं, उसके बाद थोड़ा सा बातचीत करेंगे और वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। तो ये चला दिया, ये देखो बोर्ड चला दिया, डिबग कार्ड कोड ले रहा है, ग्राफिक्स कार्ड भी चल रहा है, B2 पे अटका हुआ है, पर यहाँ पर एक बजर था, कहाँ गया ये। तो डिस्प्ले आ चुका है पर फिर भी हम बजर पे एक बार सुनेंगे, क्योंकि दिल का शांति मिलता है उससे। तो फिर से रिस्टार्ट कर दिया, देखो इसमें बीप करे, ये देखो बीप दिया। और कीबोर्ड लगा के दिखा देते हैं, क्योंकि जो बोर्ड देखे गया वो बहुत दूर से आया है और बहुत सारा बोर्ड देखे गया है, पर वो भी रिक्वेस्ट किए थे टेलीग्राम पे वीडियो बनाने के लिए। पर देखो भाई, आपका सारा बोर्ड का वीडियो तो मैं बना नहीं सकता, और वैसे कि कॉमन प्रॉब्लम भी होता है आपका बोर्ड में, वही ऑलरेडी मैं वीडियो दे के रखा हूँ ये देखो, तो वो वीडियो नहीं मिलेगा आपको। पर ये एक जो अनकॉमन सा प्रॉब्लम मिला है इसका वीडियो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, आप भी देख लेना। तो ये देखो डेफिनेटली इसका डिस्प्ले आ चुका है, तो बीप भी दिया, मतलब डिस्प्ले तो डेफिनेटली आना चाहिए। तो ये छोटा सा एक केस स्टडी था, पर आप अगर ध्यान से देखे हो तो नेक्स्ट टाइम कोई भी बोर्ड आपके पास अगर आएगा तो आप इजीली मतलब सॉल्व कर पाओगे। पर ये जो मैंने सॉल्व आउट किया ये मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से किया, क्योंकि मुझे प्रॉपरली गाइडलाइंस मिल नहीं रहा था, क्योंकि इसका कुछ भी अवेलेबल मुझे नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने किया। तो मैंने भी इसके ऊपर बहुत टाइम दिया और मैं बहुत दिन से इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, इसीलिए इजीली हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। पर मैं सब लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप जो हो आप अपने आप को बहुत समय दीजिए, ठीक है। खुद को जितना हो सके उतना आप मतलब समय, जितना आप हो सके आप खुद के ऊपर समय दीजिए। आप जितने आपके ऊपर खर्च करेंगे बाद में जाके लोग आपको गूगल पे सर्च करेंगे। तो ये एक खान सर का कहावत था छोटा सा, तो किसी सेमिनार में कहा था उन्होंने, तो वो एग्जैक्ट बात कहा कि आप अपने ऊपर जितना खर्च करोगे और आप जितना आपके ऊपर समय दोगे, आपको खुद को डेवलप करोगे, बाद में जाके एक दिन लोग आपको गूगल पे सर्च करेंगे। तो ये एकदम 100% सही बात बोला उसने। तो आपको भी समय देना है, क्योंकि ये एक दो दिन में नहीं होता, ये बहुत शिद्दत वाला काम होता है। आपको दिमाग के साथ साथ दिल से भी कुछ डिसीजन लेना पड़ता है, पर दिमाग भी चलाना पड़ता है। तो ऐसे अगर सिंपली करोगे तो हो जाएगा, बाकी तो सारा बोर्ड का स्कीमेटिक मिलता है, पर कुछ कुछ ऐसा केस मिल जाएगा आपको सिमेटिक नहीं है, पर उस केस में क्या करोगे, आपको दिमाग लगाना है। कोई भी एक हिंट आपको मिल जाए, तो देखो इस बोर्ड मैंने सिर्फ आयो का एक डेटा शीट लिया और उसके हिंट से मैंने ये रिपेयर किया। अगर मुझे ये आयो का डेटा शीट नहीं मिलता तो ये बोर्ड मैं रिटर्न कर देता, मुझसे नहीं होता, क्योंकि आपसे भी नहीं होता शायद, क्योंकि आपको कैसे पता होगा कि ये रजिस्टर के वजह से ये पावर नहीं ले रहा है, थोड़ी ना पता होगा आपको। आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, क्योंकि कौन सा वोल्टेज क्यों नहीं आ रहा है, कहाँ से जनरेट होता है। तो मैंने सीक्वेंस देखा फिर भी मुझे रजिस्टर नहीं मिल रहा था, मैंने ढूंढा इधर उधर पर नहीं मिल रहा था। जब मुझे आयो का डेटा शीट मिला तो मैंने प्रॉपरली टेस्ट आउट करना चालू कर दिया, क्योंकि यहाँ से मुझे यहाँ तक कौन सा पिन से कौन सा
कंपोनेंट मुझे कंटिन्यूटी दे रहा है, बस वही ढूंढना है। और वही ढूंढने के लिए आपको डेटा शीट चाहिए, क्योंकि आयो का कितना पिन में पावर ऑन बटन है, आपको अगर डेटा शीट नहीं है तो आप कभी भी ये रजिस्टर ढूंढ नहीं पाओगे, ज़िंदगी भर ट्राई करोगे तो भी ढूंढ नहीं पाओगे। तो आयो का आपका डेटा शीट होना भी चाहिए। तो ऐसा ही होता है, एक हिंट मुझे मिला तो मैंने बोर्ड को रेडी कर दिया। तो वीडियो अगर अच्छा लगे, कुछ नया सीखने को मिला है, तो रिक्वेस्ट करता हूँ कमेंट ना करो पर एक लाइक करके जाओ, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो लव यू ऑल, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।